रोज़ा जो है हम इसके मीनिंग देखेंगे, इम्पोर्टेंस इसकी कुरान में क्या है, इसकी हदीस में क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिविजुअल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं और सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं। मीनिंग में आ जाता है कि सौम का मतलब है टू बी एट रेस्ट, ठीक हो गया। कुरान इंट्रो इम्पोर्टेंस इन कुरान के अंदर आ जाएगा। ये सूरह बकरा की आयतें हैं, एक छोड़ के एक ये तीन चार इकट्ठी आयतें हैं, जैसे शाहरु रमज़ान अल्लज़ी अंजिला, और ये वाली इसकी इम्पोर्टेंस में आयतें 2, 183, 185, 187। हदीस के अंदर इम्पोर्टेंस आपने वो दो तीन हदीसें याद कर लेनी है, जैसे अस्सियाम जुन्नत मिन नार और एक दो और हदीसें हैं इस तरह। तो इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर क्या है जी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईमान, ठीक हो गया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर आती है, यानी कि कोई भी नहीं देखने वाला होता, सेल्फ कंट्रोल बंदे का अपने ऊपर आता है। पंक्चुअलिटी आती है, यानी पूरे 30 दिन रखने हैं, एक सही आदत बनती है। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है बंदे की, बंदा अपने आप का एहतसाब करता है। प्योरिफिकेशन ऑफ सऊल आती है। एब्सटेंशन फ्रॉम लाइंग जो है, यह हदीस की है कि जब तक उस बंदे के रोजे का कोई फायदा नहीं कि जो झूठ बोलना और गलत काम ना छोड़े। हिडन इबादत जो है ये है कि बाकी जितनी भी इबादतें हज नमाज ज़कात, ये सारी कोई ना कोई देख रहा होता है बंदे करते हुए, लेकिन ये वाहद इबादत है, कोई भी नहीं देखने वाला, तो ये हिडन इबादत है। ब्रेवरी जो है, ब्रेवरी आती है इसके साथ अंदर जो है। शील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर, तो असियाम जुन्नत मिन नार, ये हदीस आपने लिखते नहीं। पेशेंस आता है इसके साथ। तो करेक्टर बिल्डिंग जो होती है बंदे की, यानी कि कंटेंटमेंट या कम चीज़ पे गुजारा करना, तो इन चीज़ों के साथ जो है करेक्टर बिल्डिंग बंदा, यानी ग्रीड नहीं आता बंदे की। और सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, इक्वेलिटी आती है, सारे मुसलमान जो है वो रोज़ा रख रहे हैं और सारे ही भूखे हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई फर्क नहीं। ब्रदरहुड आता है, जनरॉसिटी आती है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफ्तारियाँ कराना और ये सदका खैरात। डिसिप्लिन आता है सोसाइटी में, तो इकोनॉमिक जो है बेनिफिट्स होते हैं कंट्री को, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होता है, जैसे रूह अफ़ज़ा चलता है रमज़ान के अंदर। तो यूनिटी ऑफ थाट जो है, यूनिटी ऑफ थाट आता है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी आता है, तो सोशल कनेक्शंस बनते हैं बंदे के, तो प्रोग्रेस इन सोसाइटी आता है, पीस इन सोसाइटी, तो क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी और इटर्नल सेल्वेशन। तो ये सभी के इम्पैक्ट्स जो है ना, ये रिपीट ही होंगे, कुछ उसके लिंक्ड होंगे बिल्कुल टू दी पॉइंट, तो वो आपने ऊपर लिखने हैं जब भी कभी लिखने हैं। तो बाकी नीचे वाले वही लाइन चला देनी है, जो तौहीद में, जो ज़कात में, जो सौम में, जो हज में, सारे इकट्ठी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।